हेलो एवरीवन, हाय, इट्स मी बुशरा, योर फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग, माय डियर ऑल फ्रेंड्स। तो आज है 13th of January और मैं कर रही हूँ इंग्लिश वोकैबलरी का पार्ट 2 बाय शशि थरूर जी। शशि थरूर जी के बारे में मैं क्या कहूँ, आपको पहले भी बताया था कि ये एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में मैं यही कह सकती हूँ कि इनकी सिर्फ ना कि इनकी वर्क स्ट्रेटजी अच्छी है बल्कि बहुत बढ़िया इनका जो लिटरेरी ज्ञान है और मतलब एक कार्यशील और एक एक्टिव पॉलिटिशियन के नज़र से हम देखें तो बहुत अच्छे जो है मतलब ये हैं। हमें तो देखिए पॉलिटिक्स का कुछ या पॉलिटिशियन होने से कुछ लेना देना नहीं, हमें यहाँ लेना देना है लिटरेरी ज्ञान से। हम उसी के थ्रू तो हम ये कह सकते हैं कि ना कि वो सिर्फ एक अच्छे पॉलिटिशियन या जैसे भी आपकी नज़र में है, पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक बहुत ही एजुकेटेड और एक लिटरेरी पर्सन है, ये तो आपको पता है। पर्सन तो अब नहीं है, पर्सनालिटी हैं, बल्कि कहा जाए कि सेलिब्रिटी हैं, है ना। तो अब तो क्योंकि जब इंसान कुछ हासिल कर लेता है तो वो सेलिब्रिटी ही बन जाता है। ओके, तो प्लीज़ वही रिक्वेस्ट, पहले तो आप लोगों ने खाना वाना खा लिया होगा, रात वात हो गई है, जाहिर सी बात है। आप देखिए वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, लाइक शेयर कीजिए और अच्छे से इन्जॉय कीजिए लाइफ को, कुछ हासिल करते हुए जो मैं पढ़ाती हूँ उसको ध्यान से पढ़िए। और प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप मेरी रिक्वेस्ट करंट अफेयर वाली वीडियो में सुनते होंगे, मैं नहीं चाहती कि मैं इस वीडियो में अगेन आपसे वही बातें करूं क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं। और मैं ये जान लीजिए, अगर आप मेरा और अपना साथ चाहते हैं या इस चैनल का सपोर्ट चाहते हैं तो आपको ख़ुद इसको सहयोग देना पड़ेगा ताकि ये जो है अपने अंजाम को पहुँचे, ठीक है। अंजाम को तभी पहुँचेगा जब इससे कुछ हमें बेनिफिट होगा, बेनिफिट मुझे और आपको। तो इसलिए बहुत कम टाइम रह गया है, आप लोग और जो आपके अपने हों प्लीज़ उनसे कहिए कि वॉच करें, प्ले कर दिया करें, एटलीस्ट अगर ना टाइम की बहुत कमी है तो प्ले और लाइक करके उसको छोड़ दिया करें, लेकिन प्लीज़ सपोर्ट करें, मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहाँ जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वॉट एवर यू हैव, तो यू कैन शेयर ऑल्सो, यू नी यू हैव टू शेयर, नॉट ऑल्सो, यू हैव टू शेयर, ओके। तो पहला वर्ड लेते हैं आज का, कंडोन। कंडोन बोले तो कंडोन कहते हैं जैसे किसी को किसी चीज़ को बोलेंगे कंडेम करना, कंडेम यानी किसी की निंदा करना, बुराई करना। कंडोन करना मतलब उसको फेवर करना, क्या कंडोन, कंडोन मीन किसी चीज़ को फेवर करना, उसका समर्थन देना, ये होता है कॉन्डोन, ठीक है ना। तो बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, मुझे मेरा ख्याल है कि मुझे नेक्स्ट वर्ड लेना चाहिए। तो देखिए कंडोन बोले तो ये कह सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कोई सोशल आपको सामाजिक बुराई लगती है ना, कुछ ऐसा ऐसी बात है जो आपको सोशल उसको सामाजिक बुराई का नाम दे सकते हैं, है ना। तो अगर आप उसको सपोर्ट मतलब उस नेगेटिविटी को, उस सामाजिक बुराई को आप जो है गलती मतलब बुराई ना मानकर और उसको नेगेटिव ना मानकर उसको पॉजिटिव ठहराने लगे या सोचे कि ये फॉरगिवेबल है मतलब माफ़ी देने लायक है तो आप उसको कंडेम नहीं कर रहे, कंडेम तो निंदा करना होता है, आप उसको कंडोन कर रहे हैं, कंडोन मतलब उसको फेवर कर रहे हैं, समर्थन दे रहा। कंडोन किसी चीज़ को अपने मतलब अपने किसी भी बुराई को, किसी भी बुराई, कमी, गलती, नेगेटिविटी को वैसा ना समझ के अपने हिसाब से उसको मतलब देखना कि अपने हिसाब से ये ठहराना किसी भी बुराई को कि वो आप उसको अपना फेवर देना, समर्थन देना, दैट इज़ कंडोन, ठीक है वो, हाँ कंडोन। और कंडेम क्या, किसी भी चीज़ की कोई बुराई है तो बुरा है,
है, निगेटिव है तो निगेटिव बताना। अगर मान लो कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी घटना है जिसकी आपको वाकई में आलोचना करनी चाहिए और आप उसकी आलोचना कर रहे हो तो वो कंडेम है, और नहीं कर रहे हो आप उसको कह रहे हो नहीं ऐसा तो ऐसे हालत में हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो दैट इज़ कंडोन। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट सेकेंड वर्ड इज़ आयरन आउट। आयरन आउट क्या होता है? आयरन तो सब जानते हैं, प्रेस। प्रेस के थ्रू आप क्या करते हैं, अपने कपड़ों को एक ग्लो देते हैं, एक फिनिशिंग देते हैं कि उसमें जो सिलवट है वो सिलवटें हैं, कुछ लोग सरवट भी कहते हैं, सरवटें सिलवटें निकल जाएं। तो क्या करते हैं आप अपने कपड़ों को, अपने क्लॉथ्स को क्या देते हैं, एक नया, मतलब क्या बोलेंगे उसको, एक नया जो है लुक देते हैं, गेटअप देते हैं उनको। तो कैसे उनकी से उस सारी सिलवटों को निकाल, कोई कॉटन का मान लीजिए कमीज़ है, ये कोई भी लेड फॉर वीमेन है, फॉर गर्ल्स है, फॉर बॉयज़ है, जो भी है कोई, और उसको धो के आप ऐसे सुखाइए, उसको निकाल के लाइए, फिर अलगनी यानी हैंगर से बिना प्रेस के, तो देखिए उसमें कितनी सिलवटें होती हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, बेहतरीन एक गेटअप दे देते हैं, एक उसको जो है टेक्स्चर दे देते हैं प्रेस के थ्रू। ठीक है, यानी आयरन के थ्रू। प्रेस तो हमारा एक वर्ड है, ठीक है। तो हम के प्रेस क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उस आयरन के थ्रू क्या करते हैं, वो गर्म होता है उसे प्रेस करते हैं जिससे उसकी सिलवटें निकल जाती हैं। तो आयरन आउट बिल्कुल वैसा ही वर्ड है। आयरन आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी मैटर को, किसी भी समस्या को उस सेट आउट करना, सुलझाना, उस चीज़ का समाधान करना। जब कोई मान लीजिए इसका अप्स जो वर्ड्स का यूज़ का सेंस होता है, यूज़ ऑफ सेंस, यूज़ ऑफ वर्ड, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी लाइफ में किसी को लेके बहुत प्रॉब्लम है, आपने उसी इंसान को निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से, तो आपने अपनी प्रॉब्लम को मतलब अगर वाकई में प्रॉब्लम है तो, ऐसा नहीं कि किसी से भी आप मिलना जुलना, वो तो फिर बहुत बुरी बात हो जाएगी कि ऐसी किसी से दोस्ती तोड़ दी। वाकई में वो इंसान बुरा है और उस बुराई से दूर होना था आपको, अपनी लाइफ को साफ़ सुथरा करना था, तो आपने वहाँ पर आयरन आउट का वर्ड यूज़ कर लिया। या मान लो कोई आपको प्रॉब्लम थी किसी और मामले में, कोई समस्या है उसको आपने सुलझा लिया, कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल लिया, यानी आपने उसको क्या कर लिया, आयरन आउट कर लिया। मतलब किसी भी दिक्कत, परेशानी, समस्या या किसी भी बुराई को, मतलब किसी भी मामले को सुलझाना, उसका समाधान करना, उससे बाहर निकलने को कहते हैं आयरन आउट। क्या होता है? आयरन आउट। तो आई होप सो कि आपकी समझ में आ गया होगा। थर्ड वर्ड लेते हैं आप। अच्छा, दो चीज़ें और सुनिए यहाँ पर। देखिए, एक चीज़ ये मैं आपको बता दूँ कि आयरन आउट का मतलब मैंने आपको यहाँ बताया, किसी समस्या, मामले, परेशानी को सुलझाना, उसका समाधान करना। पर इसके दो मीनिंग आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अभी मैं एग्जांपल दे दूं, क्योंकि जो मैंने कहा कि वर्ड्स का जो यूजिंग सेंस है वो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंशिएट हो सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी कंपनी में जॉब लगी, उन्होंने अपना एग्रीमेंट साइन करने के लिए दिया, तो आप क्या करेंगे, खुशी के मारे हाथ में लेते ही साइन कर देंगे? नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट साइन करने को कि आप एग्रीमेंट दे, मतलब अपनी एग्रीमेंट दे रहे हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। पहले एक एक चीज़ को नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ों के लिए आप बाध्य हैं या किस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है। तो छोटी छोटी बातों को भी बारीकी से समझने को कहते हैं आयरन आउट। क्योंकि अगर आपने नहीं रीड किया अच्छे से, केयरफुली रीडिंग नहीं की, तो क्या होगा, कल को जब आप साइन कर देंगे तो वो लीगल ऑब्लिगेशन हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी फिर तो, कि आपको बाध्य हैं, आपको तो ये काम अब करना ही करना है, कि क्यों, मैं तो नहीं करना चाहता, या हम तो नहीं चाहते, कि नहीं जी आपको तो करना है, आपने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया तो ये चीज़, ठीक है ना, साइन किया है ना, तो साइन करने का मतलब क्या है कि आप कंपनी के सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं, समझ गए। तो छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समझना भी आयरन आउट है। और या फिर आपको बताया कि किसी मामले को, किसी परेशानी को, किसी मसले को ख़त्म कर देना, मत जिस तरह कपड़ों से सिलवट निकालते हैं उसी तरह ख़त्म कर देना, दैट इज़ वी कॉल्ड आयरन आउट ऑल्सो। तो देर आर टू मीनिंग्स ऑफ आयरन आउट। वन इज़ ट्राई टू नॉट ट्राई, बल्कि अंडरस्टैंड टू क्लियरली एवरीथिंग
साफ अच्छे से हर चीज़ को समझिए, छोटी छोटी चीज़ों को भी। और एक दूसरा मतलब है सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम ऑन योर पर्सनल प्रॉब्लम्स मैटर्स एंड ऑल एट्सेट्रा, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कि लाइक वी हैड प्रेस्ड और ड्रेसेज या वी हैड आयरन आवर ड्रेसेज और क्लोथ्स लाइक दैट है ना, लाइक दैट वी कैन से ओके। तो इसी तरह आपको करना है, उसी तरह आपको करना है, हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, देखिए थर्ड वर्ड है डिमनाइज। डिमनाइज करना, किसी को बदनाम करना, किसी को बुरा ठहराना, दैट इज वी कॉल्ड डिमनाइज। मतलब आप देखिए, कहते हैं ना ये तो बिल्कुल फरिश्ता है, तो परी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंजल, ये तो गॉड एंजल है, ये तो भगवान का दूत है, ये तो फरिश्ता है, ये बिल्कुल परी है, जिसने कोई मतलब ये कोई बुरा कर ही नहीं सकता, ऐसा एंजल है ना। लेकिन इसी का अपोजिट ले लीजिए डिमनाइज। डिमनाइज बोले तो मतलब किसी को बुरा ठहरा देना, किसी को बुरा ठहराना, या बुरा ठहराने के साथ ये उसको बदनाम करना, उसकी कमियों को जाहिर करना, हालांकि वो उसमें हो या चाहे वो बुरा हो, उसमें वो कमियां हो या वो ऐसा ना करता हो, लेकिन फिर भी उसको ये चीज़ के मतलब उसको कि नहीं आपने ये किया है, मतलब मान लीजिए किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है किसी मैटर के ऊपर भी, किसी भी बात पर, मान लीजिए किसी ने 2 लाख रुपए कर्ज लिया, अब वो उसने लिया है, उसके प्रूफ पक्के हैं तो अलग बात है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं लिया है, और वो कर्ज कोर्ट केस चल रहा है कोर्ट में 2 लाख रुपए कर्ज का, मैं मिसाल के तौर पे एक फॉर एन एग्जांपल, तो वो 2 लाख रुपए के कोई प्रूफ भी नहीं है कि सामने वाले ने उसको दिया है, लेकिन पहले ये समझ लेना कोर्ट ने कोई डिसीजन भी नहीं दिया, कह रही ये तो दूसरों का पैसा लेके खा गया, ये तो दूसरों का पैसा लेके खा गया, इस तरीके से इसकी तो आदत ऐसी है, इसको कर ये तो बेइज्जत इंसान है, ये दूसरों का ले लेके रख लेता है या रख लेती है, जो भी है। तो मतलब किसी का भी कोई फैसला भी नहीं, कोई नतीजा भी नहीं है, फिर भी किसी भी बात पर लेकर किसी को बदनाम कर देना, उसको बुरा ठहराना, उसकी कमियां निकालना, उसकी बुराइयां निकालना, हालांकि वो उनमें हो भी हो या ना हो, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, किसी को फालतू में हो, ऐसा होता है किसी ने किसी की कोई कमज़ोरी देख ली, कमी देख ली, एक से बात करी वो दूसरे तक फैली, दूसरे से 4, और वो फैलते 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 उसमें एक ही कमी बढ़ती जाती है, बेचारे सामने वाले की वो गलती हो, बुराई हो, कमी हो, या वो उसको जिस तरह बदनाम कर रहे हैं, वो भले ही उसकी वो मतलब बात ना हो, लेकिन उसको इतना डिमोनाइज कर देते हैं, बदनाम कर देते हैं, कि उसको अपने आप को जो है बेगुनाह ठहराना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जितना उस परेशानी से परेशान है उतना ही वो मेंटली भी बहुत स्ट्रेस लेने लगता है, क्योंकि जब लोगों का ऐसा रवैया हो जाएगा उसके साथ, उसे बदनाम करेंगे, कमियां निकालेंगे, बुरा दिखाएंगे, नीचा दिखाएंगे, तो वो क्या है, वो डिमोनाइज है, किसी को गलत ठहराना या उसकी बुराई कमी निकालना या बदनाम करना, डिमोनाइज। समझ में आ गई ना बात, ओके। फोर्थ वर्ड देखिए भाई, ओमिनस। ओमिनस किसको कहते हैं, किसी भी खतरे को कहते हैं ओमिनस, किसी भी जिससे किसी आने वाले खतरे की सूचना मिल जाए, तो वो जो उस खतरे की सूचना मिल रही है तो मतलब वो खतरा शुरू होने वाला है ना, वो डेंजरस शुरू होने वाला है ना, वो चीज़ वो मोमेंट आपके लिए डेंजर होने वाले हैं, तो इसी को ओमिनस कहते हैं। आप इसको भी कई सेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी दो लोगों में, मान लीजिए दो देशों में किसी में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग से मुझे याद आया है कुछ, वो बताऊंगी मैं आपको भी वर्ड, बीच में मैंने कुछ ऐसा ही देखा था तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो मैंने एक वर्ड देखा था अभी आपके लिए, वो बताती हूँ, चलिए मैं आपको बाद में, उसका मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग था तो मुझे अभी भी याद आया। तो खैर, तो जैसे कि ये ओमिनस है, जैसे कि मान लीजिए दो देशों के बीच में कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, अगर वो एक दूसरे को गलत ठहराने में लगे हुए हैं, बदनाम करने वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ,
वो वाली बात नहीं कर रही हूँ जो डीमोनाइज वाली, वो कह रही हूँ कि मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स अंडरस्टैंडिंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो लड़ाई में बदलने के लिए तैयार हैं। मतलब ऐसा कि उनमें मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वॉर हो जाए, कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए, तो वो क्या होगा, मतलब वो मिसअंडरस्टैंडिंग जब इस लेवल पर बढ़ रही हैं तो वो किसका खतरा दिख रही है हमें, किसी लड़ाई का, वॉर का। इसी तरीके से घर में कोई ऐसी बात हो गई कि मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए आपने घर में ये बात बता दी तो इससे इतने लोगों पे ये फ़र्क पड़ेगा और ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बढ़ जाएगी, तो आप बताना भी चाहते थे लेकिन इतना सोचते हुए उस बात को आपने छुपा कर सीक्रेट करके रखा, क्योंकि अगर बताएंगे तो उससे लोगों का ये रिएक्शन होगा, उससे घर में ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी और उससे आपकी लाइफ पर ये असर पड़ेगा, तो आपको आने वाला ख़तरा दिख रहा है, क्या ख़तरा दिख रहा है आने वाला, तो वो ख़तरे की घंटी को क्या कहते हैं, ओमिनस, क्या कहते हैं, मतलब मान लीजिए काले बादल आ गए, ब्लैक क्लाउड, थंडर स्टॉर्म, तो मतलब थंडर स्टॉर्म यानी तूफान, तो वो इतना अंधेरा अंधेरा छा गया तो आपको क्या पता चल रहा है कि कोई बारिश तूफान आने वाला है। मान लीजिए फीवर आया, फीवर मान लीजिए 10 से 15 दिन नहीं उतर रहा, तो ये पता चल गया कि देट इज़ नॉट नॉर्मल फीवर, क्योंकि अगर नॉर्मल फीवर होता तो हमने जो मेडिसिन ली थी उससे उतर जाता, तो हमें ब्लड टेस्ट भी कराना पड़ेगा और टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे, मतलब हमें ये आने वाली जो हेल्थ इशूज़ हो सकते हैं, जो डिजीज़ हो सकती है, उनका एक खतरा दिख रहा है। तो बेसिकली खतरा या खतरे की घंटी को कहते हैं हम ओमिनस। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने बताया है। देखिए लास्ट वर्ड ले रही हूँ मैं, स्लॉली गॉस्टर। क्या स्लॉली गॉस्टर? मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपने एक फेरेगो यानी जिसको हम कहते हैं क्या मिक्सचर है ना, कन्फ्यूजिंग मिक्सचर फेरेगो और एक स्लॉली गॉस्टर क्या स्लॉली पूरा नहीं कहेंगे, स्लॉली गॉस्टर ये आपने नहीं सुने होंगे दोनों वर्ड, ये खुद भी वो एक्सेप्ट करते हैं डॉक्टर शशि थरूर जी कि ये लोग ये वर्ड्स बहुत कम यूज़ करते हैं, तो वो खुद भी ये बात कहते हैं। तो ये स्लॉली गॉस्टर का मीनिंग होता है स्वार्थी स्वभाव का व्यक्ति। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, पॉलिटिशियंस होते हैं कुछ पॉलिटिशियन जिनका मकसद सिर्फ सेवा और सत्ता चलाना होता है, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो सेवा कम और सत्ता से अपने निजी लाभ को ज़्यादा देखते हैं और स्वार्थ अपने लिए स्वार्थ ज़्यादा होता है, स्वार्थ ज़्यादा जिसमें है और सेवा कम है, तो ऐसे पॉलिटिशियन को हम स्लॉली गॉस्टर कह सकते हैं। स्लॉली गॉस्टर मतलब जो व्यक्ति जो उसको कार्य जो उसको उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको ड्यूटी दी गई है उसको वो पूरी तरह ये ऑनेस्टली फुलफिल ना करे, ईमानदारी से पूरा ना करे और वो उसमें अपना स्वार्थ देखे, अपना स्वार्थ कि मैं कैसे, मुझे तो ये देखना है कि मेरा ये काम कैसे बन सकता है, तो उस काम में भी अपना ही सोचे लेकिन उसको ऑनेस्टली फुलफिल ना करे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ड्यूटी को, तो उस जो भी कुछ मतलब उसको कि जो भी जिम्मेदारी है उसको ना पूरा करे तो, और अपने स्वार्थ के बारे में ही हमेशा काम करें और सोचे, तो ऐसे लोगों और पॉलिटिशियंस को कह सकते हैं। पॉलिटिशियन का बेसिकली मैं एग्जांपल ले रही हूँ, माफ़ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगा हो, तो पॉलिटिशियन का एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो वादे तो करते हैं उस हिसाब से लेकिन वो पूरा नहीं करते, तो ऐसे लोग जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया, जनता के हित में इतना काम नहीं किया, तो फिर क्या कहेंगे उनको, यही कहेंगे ना। तो इस तरह के इस स्वभाव के लोग जो सिर्फ स्वार्थी सेल्फिशनेस नेचर में जिनकी अपने लिए मतलब सेल्फ होता है उनका खुद का स्वार्थ होता है, तो उनको कहते हैं उनको हम कॉल करेंगे क्या मतलब बोलेंगे, कॉल करना से बोलना, वी कॉल्ड स्लॉली गॉस्टर, जिनका स्वार्थी भाव वाला नेचर होता है यानी सेल्फिश नेचर होता है उनको बोलते हैं स्लॉली गॉस्टर। कैसे लगा ये वीडियो मुझे, थोड़ा सा ज़्यादा मैं थोड़ा सा सोच रही थी और भी कुछ पढ़ाऊँ लेकिन थोड़ा हेडेक मुझे स्टार्ट हो गया है, तो मैं इतना ही कवर कर रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए, प्लीज़ वॉच टाइम का भी ध्यान रखिए, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे इसका पार्ट टू बनाना चाहिए या नहीं, बताना है प्लीज़ कमेंट करके कि मैं डॉक्टर वोकेबलरी यूज्ड बाय डॉक्टर शशि थरूर पार्ट टू तो बन गया आज, ये पार्ट 3 बनाऊँ ना बनाऊँ, तो
तो मैं पार्ट थ्री बनाऊँ या ना बनाऊँ, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कॉमेंट्स का वेट रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स डियर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।